अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओज ब्यूटी पार्लर विच इज़ लोकेटेड इन औरंगी टाउन कराची। होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो ये बहुत ही प्यारा सा मेकअप्स की ट्यूटोरियल मैंने आप लोगों से शेयर किया था और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया है। और आज जो है हेयर स्टाइलिंग की वीडियो मैं आप लोगों से आज शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग की रिक्वेस्ट आए थे आप ही हेयर स्टाइलिंग की भी वीडियो शेयर कर लिया करें। तो जैसे मुझे टाइम मिलता है, पॉसिबल अगर हो सकता है तो वीडियो बना लेती हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ी कोशिश कर लेती हूँ। तो इस कोशिश पे लाइक तो बनता है, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें। बहुत से लोगों के माइंड में ये क्यूरी होती है कि सेंटर सेक्शन जो है, मतलब बीच के जो मांग है, वो हम अगर हेयर स्टाइलिंग करेंगे तो वो लुक अच्छा नहीं आएगा। लेकिन ट्रस्ट मी, सेंटर हेयर स्टाइलिंग बहुत प्यारा लगता है। अगर आपका टी का हेवी है, खूबसूरत सा है, तो आप सेंटर सेक्शन भी करवाएं। और डिफरेंट इवेंट पे अगर जैसे आप रेडी हो रहे हैं, लाइक मायो, बारात, वलीमा, तो एक ही हेयर स्टाइलिंग, एक ही टाइप के, इतना मज़ा नहीं आता। लुक को चेंज करवा लें, अगर कभी आप साइड सेक्शन करवा लें, कभी आप पफ करवा लें, कभी आप जूड़ा करवा सकते हैं, कभी आप सेंटर हेयर स्टाइलिंग भी करवा सकते हैं, कभी आप ब्रेड टाइप में हेयर स्टाइलिंग करवाएं। खैर, ये एक और इवेंट पे भी रेडी हुई हैं, तो इनके जो मेकअप है बहुत ही मैंने चेंज करके कोशिश किया कि आप लोग से शेयर करूं, कि आप लोगों को कुछ न्यू सीखने को मिले। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। वीडियो अभी हमारे पास गैलरी में है, बस थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, वॉइस ओवर करना है, क्योंकि वॉइस ओवर, आप लोग कहते हैं कि वॉइस ओवर करके अपलोड किया करें आप ही, क्योंकि म्यूज़िक के साथ जो है इतना हमें समझ में नहीं आता जितना आप वॉइस ओवर करती हैं, तो हमें क्लियर समझ में आता है। तो उसमें हेयर स्टाइलिंग बहुत ही सिंपल से रखा है, मेकअप थोड़ा सा हेवी लुक है, और हेयर स्टाइलिंग जो है बहुत ही सिंपल, डिसेंट सा ब्रेड टाइप में स्ट्रेच करके बनाया गया। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को सीखें किस तरीके से की जा रही है। सारी डिटेल वीडियो मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और हेयर स्टाइलिंग की मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मेकअप से ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है। हेयर स्टाइलिंग में आप लोग देख के जजमेंट कर सकते हैं कि किस तरीके से सेक्शन दिया गया है, किस तरीके से वर्क किया गया है। मेकअप की जो वीडियो है, ट्यूटोरियल, आप अगर आप लोगों को देखना है तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, और हमारे जो मेकअप की जो डिटेल है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, कि राइट नाउ क्या प्राइस है, एड्रेस एंड नंबर वगैरह मेंशन कर दूंगी। अगर आप लोगों को नंबर पे बुक कॉल करनी है, तो आप काइंडली नंबर की जो टाइमिंग है वो जो है 2 बजे से रात 9 बजे तक है, उस टाइमिंग में आप कॉल करेंगे तो आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। कोशिश करें व्हाट्सएप पर नहीं किया करें, और डायरेक्ट कॉल करके इन्फॉर्म, मतलब इन्फॉर्मेशन ले लिया करें। और बुकिंग जो है हमारी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है, आपने पार्लर आके ही हमारे विजिट करके आपने स्लिप बनवानी है। ऑनलाइन हमने स्टार्ट किया था कि चलो जो बहुत दूर रहते हैं, दूर दूर से माशाल्लाह से लोग आते हैं औरंगी टाउन, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये एक साल के बाद जो है हम लोगों ने ख़त्म कर दिया ऑनलाइन सिस्टम, कि भाई जिसे भी करवाना है मेकअप आप पहले से बुकिंग करवा लें, आके विजिट कर लें, स्लिप बनवा लें फिजिकली। बहुत से लोगों के माइंड में है कि लाहौर पे पार्लर आपको क्यों नहीं है, और आप कराची से, सारे अच्छे पार्लर्स जो हैं सलॉन्स कराची में, तो कराची का मेकअप वाकई बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटी। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि टैलेंटेड लोग हैं कराची में। और लाहौर से कौन कौन देखता है काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप लोग किस सिटी से हैं वो भी मेंशन करें, और किस तरीके से आप लोगों को वीडियो आगे चाहिए तो वो भी मुझे बताएं। और यहाँ पे पिन जो है नॉर्मल सम हेयर पिन लगे हैं, ठीक है, स्मॉल आप लें, स्मॉल की जो है ग्रिप बहुत अच्छी होती है, बड़ी वाली जो होती है उसकी ग्रिप इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन कहीं कहीं हमें बड़ी वाली पिन की ज़रूरत पड़ती है हेयर पिन की। नेकलेस वैसे ना कोशिश किया करें आप पहले पहना दिया करें, लेकिन यहाँ पे हम भूल चुके थे इनको नेकलेस पहनाने, क्योंकि इनकी डोरी भी छोटी थी, स्मॉल की वजह से जा नहीं रही थी, लेकिन खैर एक साइड की हेयर स्टाइलिंग थी तो हो गई, दोनों साइड की होती तो हेयर स्टाइलिंग ख़राब हो सकती थी, तो इसमें थोड़ी सी मैसी लुक हो गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, दूसरे साइड के करने के बाद लास्ट में हम इसे थोड़ा सा क्लियर और नीट एंड क्लीन कर देंगे जब फाइनल स्प्रे करेंगे। स्प्रे आप किसी भी ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि स्प्रे ओरिजिनल यूज़ करें। सबलॉन का स्प्रे ओरिजिनल भी आते हैं और कॉपी भी आते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रखता है कि आपकी हेयर स्टाइलिंग, आप एक ही स्प्रे से, यहाँ पे देखिए हमने काम किया है, 2-3 स्प्रे यूज़ नहीं किया, और कोशिश किया करें स्प्रे की क्वांटिटी कम यूज़ किया करें, बहुत ज़्यादा नहीं, जहाँ नीड है आप वहीं यूज़ किया करें, क्योंकि अगर स्प्रे अगर आप भर भर के कर देंगे ना, तो आपको ये लगेगा, क्लाइंट को ये लगेगा और देखने वाले को भी ये लगेगा कि बहुत हार्ड लुक आया हुआ है और बहुत अजीब सा
एक क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल टाइट टाइट हार्ड लुक, पापड़ जैसे ऐसे लगता है हेयर स्टाइल बन गई है। और हमारे पार्लर में, सैलून में मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि कोई कलर वाले स्प्रे यूज़ ही ना करें। कभी हमने किया ही नहीं, अपने पार्लर में लेकर ही नहीं आए कलर वाले स्प्रे। कोई क्लाइंट लेकर भी आ जाता है तो हम उनको मना करते हैं, लेकिन समटाइम कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो वो डर से हेयर स्टाइलिंग करने के बाद ऊपर से स्प्रे कर लेती हैं हमारे रूम्स पार्लर यानी कि पार्लर वाले रूम से हटकर। तो इसमें ये कि फिर हम कहते हैं कि लाएं, हम खुद कर देते हैं, आप करेंगे तो बहुत ही बुरा लुक आएगा, तो इस तरह हमारी रेपुटेशन भी ख़राब होगी। तो कोशिश किया करें कलर वाले स्प्रे यूज़ ना किया करें। नेचुरल ब्लैक हेयर भी बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आप कलर वाले स्प्रे यूज़ कर लेंगे तो वो लुक प्यारा नहीं आएगा। जिनकी फोर हेड चौड़ी होती है तो क्लाइंट को चाहिए वो ज़्यादातर टीका यूज़ करें, मतलब फोर हेड कवर करने के लिए। और टीका जो है, मेरी ये थिंकिंग है, माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि टीका हमेशा थोड़ा हेवी होना चाहिए। जिस तरह आपने देखा है, अगर बहुत छोटा सा लाइट सा होता है ना, वो लुक नहीं आता। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा हेवी हो गया है, ज्वेलरी हेवी हो गई है, तो आप नेकलेस, इयररिंग वगैरह आप बहुत स्मॉल सा यूज़ कर सकते हैं मैनेज करने के लिए। प्राइस जो हमारी, आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि प्राइस आपकी क्या चल रही है, तो अभी डिस्काउंट ऑफर है। ब्राइडल मेकअप 8,000 है, जिसमें आपका मेकअप होगा, बैक जोड़ा इंक्लूड सिंपल, और आपका नेल्स वर्क, दुपट्टा सेटिंग, ज्वेलरी सेटिंग एटसेट्रा। एक्सटेंशन वर्क नहीं है। वलीमा मेकअप 11,000 है, जिसमें एक्सटेंशन वर्क भी इंक्लूड एक है। क्वेश्चन आया था कि लाहौर से, कि आप मुझे बताएं कि वलीमा मेकअप जो है वो लाइट होता है और उसकी प्राइस ज़्यादा है। बारात के जो मेकअप है वो 8,000 है, वलीमा का 11,000 है। वाइट मेकअप कोई भी हो, लाइट या डार्क से नहीं होता, आपकी प्रोडक्ट वही यूज़ हो रही है, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि लाइट है तो मेकअप प्राइस भी कम होगा, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें यूज़ हो रही है। सॉफ्ट मेकअप जितना होता है उतना मेकअप आर्टिस्ट को करने में टाइम लगता है, उसमें टाइम कंज्यूमिंग भी है, और ऐसा लगता है कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, और ये हर के हाथ में टैलेंट है भी नहीं। तो लाइट मेकअप का ये मकसद नहीं है। आपका बेस कम यूज़ होगा, कंसीलर कम यूज़ होगा, आई शेड कम यूज़ होगा, लिपस्टिक नहीं लगेगी या लिपस्टिक कम यूज़ होगा, ऐसा नहीं। सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती है। 11,000 इसलिए, 3,000 एक्सटेंशन वर्क इसलिए रखा है क्योंकि एक्सटेंशन उसमें इंक्लूड है, बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। वैसे हमारी प्राइस तो खैर बहुत ही रिजनेबल है, किसी से भी मैंने मतलब सारे क्लाइंट बहुत सेटिस्फाई हैं, बल्कि ये हमें आगे कहते हैं कि आपकी इतनी प्राइस कम क्यों आप है, इतने कम प्राइस लेती हैं और इतने अच्छे वर्क करके देती हैं। तो रीज़न यही है कि हमारा जो है रेंट जो है वो सेफ़ होता है, वरना रेंट अगर आप कहीं दूसरी जगह लें तो रेंट जिनका अपना नहीं होता, जो रेंट पे पार्लर या सलून चला रहे होते हैं, तो रेंट ही अच्छे खासे लाखों में होते हैं, तो वो कवर करने के लिए प्राइस को ज़्यादा रखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता जहाँ है। प्राइस ज़्यादा है समझे उनकी मेंटेनेंस ज़्यादा है। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके मेंटेनेंस पे। कोई भी मेकअप आर्टिस्ट अपना लॉस तो करके मेकअप नहीं करेंगे। तो बेनिफिट हमारा यहाँ है, तो वो बेनिफिट हम अपने क्लाइंट को दे देते हैं कि भाई आप डिस्काउंट ऑफर में ये अभी आप वर्क करवा सकते हैं। बस जहाँ प्रोडक्ट की चार्जेस अगर बढ़ जाएगी तो भी हमें मजबूरन बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन दुआ करें कि प्रोडक्ट की चार्जेस नहीं बढ़े, क्योंकि चीज़ें प्रोडक्ट वगैरह हम आपको पता है अच्छी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। पार्टी मॉडल मेकअप के जो चार्जेस है वो 1,700 विथ फ्रंट हेयर डू है, बैक के अलग चार्जेस हैं। बैक के हेयर स्टाइलिंग के चार्जेस हम अलग से चार्ज करते हैं, क्योंकि उसमें आयरनिंग आप करवा सकते हैं, कर्ल्स करवा सकते हैं, जूड़ा बनवा सकते हैं, जो भी आपने करवाना है साथ साथ पे करें और वर्क अपना करवा सकते हैं। ये जो मेकअप है ये सॉफ्ट इंगेजमेंट लुक है, ठीक है, और बहुत ही डिसेंट सा यहाँ पे क्रिएट किया गया। कोशिश किया करेंगे जिनको मेकअप सॉफ्ट चाहिए तो लिपस्टिक जो है आप बहुत लाइट कलर यूज़ किया करें, डार्क नहीं करें इवेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि क्लाइंट के अकॉर्डिंग भी आपने वर्क करना है। हर किसी की चॉइस अलग होती है, किसी को बहुत ज़्यादा हेवी मेकअप चाहिए होता है, किसी को लाइट मेकअप चाहिए होता है, तो सबकी चॉइस जो है डिफरेंट होती है। तो मेकअप करते वक्त पूछ लेते हैं आपको सॉफ्ट चाहिए, ग्लैमर चाहिए, तो आइडिया हो जाता है हमें कि उनकी थिंकिंग क्या है। सो अब मुझे इजाज़त दें, मैं बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहें। आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो लेकर आऊँगी, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। मार्क्स हमेशा दिया करें, मैं आप लोगों के मार्क्स ना एक दिन आप लोगों के मैं काउंट करके इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेंशन भी करूँगी किस किस ने कितने मार्क्स दिए हैं। वी विल बी फुल ट्राई बट नॉट श्योर, क्योंकि आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकती। टेक केयर, खुदा हाफिज़।